जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। तो आज हमारा ADCA फंडामेंटल का तीसरा दीजिए अर्थात भाग तीसरा वीडियो है। तो आज हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइस अर्थात स्टोरेज डिवाइस क्या है, क्या होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर की डाटा को टेम्प्रोरी या परमानेंटली स्टोर किया जाता था। जो भी कंप्यूटर में डाटा होता है, डाटा का मतलब हुआ पिक्चर, वीडियो या कैलकुलेशन जो भी हम किए हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहते हैं। उस डाटा को टेम्प्रोरी या परमानेंटली अर्थात कुछ देर के लिए या कुछ हमेशा के लिए रखने के लिए स्टोर किया जाता है। वो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम कि अपने डाटा को कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः दो होते हैं। प्रथम होता है प्राइमरी मेमोरी, प्रथम मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी अर्थात द्वितीय मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा प्रथम मेमोरी है उसे हम मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा आता है रैम, रोम। रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर के मेन भाग हैं जो कि इसी के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को तेज गति करा सकते हैं। कुछ भी वर्क करते हैं तो रैम और रोम के द्वारा ही हमारा फास्ट वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से हैं। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क 320 GB टू 2 TB, 1 TB में 1024 GB होते हैं। तो आप जान जाइए 2 TB में कितने GB हो जाएंगे, 2048 GB हो जाएंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क आता है जो कि हमारे जितने भी डाटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा हमारा ऑप्टिकल डिस्क अर्थात ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सा, CD और DVD दोनों हमारे ऑप्टिकल डिस्क हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क जो 7 MB का होता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क जो कि इस समय चल रहा है 4.7 GB का होता है। पेन ड्राइव जो कि हमारे 4 GB से लेकर 1 TB तक होते हैं। मेमोरी कार्ड भी 4 GB से लेकर 1 TB तक होते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो कि 1.44 MB के होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब जान लेते हैं व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है या किसे कहते हैं, मेमोरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। अब हम जान लेते हैं मेमोरी के बारे में। तो व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जहाँ प्रोसेसिंग से पहले सभी इनपुट को स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है और आउटपुट को प्रोसेसिंग के बाद स्टोर किया जाता है। जो हमारे मेमोरी है यानी प्रोसेसिंग होने से पहले इनपुट को उसमें स्टोर किया तो कर लिया जाता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है रिजल्ट मिलता है उसको स्टोर किया जाता है मेमोरी में। मेमोरी का मुख्य रूप से कार्य है। उसके बाद है हमारा व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है या किसे कहते हैं। ये हमारा सिस्टम का मदरबोर्ड अर्थात कंप्यूटर का पूरा मुख्य पार्ट है वो मदरबोर्ड है। अर्थात जिस तरह माता पिता के बिना परिवार नहीं चल सकता है, माँ के बिना, उसी तरह कंप्यूटर का माँ अर्थात मेन उसका मुख्य मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड की सहायता से हार्ड डिस्क, CPU, कीबोर्ड, माउस इत्यादि को कनेक्ट करता है। जो हमारा मदरबोर्ड होता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्यूटर का, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के नाम से किसे जानते हैं, तो मदरबोर्ड को जानते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड की सहायता से हम हार्ड डिस्क, CPU, कीबोर्ड, माउस इत्यादि को कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके द्वारा हम CPU को, हार्ड डिस्क को, कीबोर्ड को, माउस को कनेक्ट करके अपने सिस्टम को चलाते हैं। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड का कार्य। आपको बता दें कि इस जो जो मेन है मदरबोर्ड है, CPU है, इन सब का वीडियो हम अलग से आपको लेकर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ मेमोरी अर्थात मेजरमेंट मतलब मापना, मेमोरी को कैसे मापा जाता है। जैसे कोई भी सामान वस्तु को मापा जाता है केजी में, जो भी हमारा वस्तु होता है उनको केजी में नापते हैं, किसी को लीटर में नाम मापते हैं, तो हम मेमोरी को भी मापते हैं। भाई किस में मापते हैं तो जान लेते हैं। 1 byte बराबर 10 या 1 binary digit होता है। 1 nibble बराबर 4 byte होता है। 8 byte बराबर 1 byte होता है।
1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, KB के फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। इधर देख सकते हैं फुल फॉर्म सभी लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। अर्थात हमारे मोबाइल में जो चलता है खर्च होता है वो आपके KB हमेशा MB में लिखा होता है, कभी GB में लिखता है, क्योंकि KB इतना छोटा है कि KB में लिख आ नहीं पाता है। मोबाइल खोलते कहीं तुरंत हमारा डाटा 1 MB में चला जाता है, 2 MB में, 10 MB में, 15 MB में चला जाता है। तो 1024 GB बराबर 1 GB, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 TB होता था। 1 TB बराबर कितना हो, 1024 GB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 EB, 1024 EB बराबर 1 ZB, 1024 ZB बराबर होता है 1 YB, 1024 YB बराबर होता है 1 BrontoByte, 1024 BrontoByte बराबर होता है 1 GB बाइट। GB बाइट इज द हाइएस्ट मेमोरी, सबसे बेटर मेमोरी हमारे GB बाइट है, जिसका प्रयोग हमें पिक्चरों में किया जाता है, क्योंकि क्लीन साफ पिक्चर को बनाने के लिए हम उसमें प्रयोग करते हैं। GB बाइट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लाखों में चलता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन स्लॉट, अर्थात एक्सपेंशन स्लॉट क्या है या किसे कहते हैं या इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम जान लेते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट एक स्लॉट होता है जहाँ साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड इत्यादि को लगाया जाता है। जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हम एक्सपेंशन स्लॉट लगाते हैं, जिससे हमारा जो उसमें साउंड है वो साउंड हमारे साफ सुनाई दें, और ग्राफिक कार्ड और नेटवर्क कार्ड जो भी उसमें हम वीडियो चले साफ सुथरा चलने के लिए हम उसमें एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन एक फैन होता है जो CPU के गर्म हवा को लेकर बाहर निकलता है। जो कूलिंग फैन होता है उसको हमारे सिस्टम में अंदर होता है, उसका प्रयोग इसलिए होता है जो भी CPU का गर्म होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बिजली चलता है, चलते चलते गर्म हो जाता है, और गर्म होने जो उस गर्म उसको ठंडा करने के लिए हम कूलिंग फैन का प्रयोग करते हैं। और जो उसमें गर्म हवा होता है CPU का गर्म हवा, उसी को हमारे कूलिंग फैन लेकर बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ब्लास्ट नहीं करता। यदि फैन नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए हम उसमें कूलिंग फैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या है या किसे कहते हैं, तो ग्राफिक कार्ड एक कार्ड होता है जिसकी सहायता से मॉनिटर से डिस्प्ले पर देखा जाता था। जो हमारा ग्राफिक कार्ड होता है वो मॉनिटर में ऑलरेडी लगा होता है, या हम उसे साइड से भी लगवा सकते हैं। जो भी हम पिक्चर देखते हैं 3D 4D उसे HD क्वालिटी में देखने के लिए हम ग्राफिक कार्ड का प्रयोग करते हैं। जितना ग्राफिक कार्ड महंगा होगा उतना ही हमें क्लीन साफ दिखाई देगा, हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट चलेगा, इसलिए हम ग्राफिक कार्ड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कुछ फुल फॉर्म है, इसको हम देख लेते हैं। LAN, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक एरी। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये हमारा 4 फुल फॉर्म है, आपको अलग से भी वीडियो लेकर आएंगे जो जो इसमें मेन है उसके लिए, और फुल फॉर्म का भी वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड एक कार्ड होता है जिसे लैन केबल की सहायता से कनेक्ट कर जोड़ कर इंटरनेट को चलाया जाता है। जो भी हमारा नेटवर्क कार्ड है इसको लैन केबल की सहायता से हमारे ज़मीन के नीचे नीचे इसको जोड़ा जाता है। ज़मीन के नीचे जो तार को पूरा बिछाया गया है उसी के द्वारा हम इंटरनेट को चलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक कार्ड होता है जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर चलाया जाता है। साउंड कार्ड एक कार्ड होता है जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर आवाज़ सुना जाता है। इसको कनेक्ट कर कंप्यूटर में जो भी आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसको सुनने के लिए हम साउंड कार्ड का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। क्या है या किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर के परमानेंटली मेमोरी है जो हमारे डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है। इसका डाटा लाइट जाने पर भी रेज नहीं होता। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो कंप्यूटर की परमानेंटली मेमोरी है, यानी कि उसमें हम जो भी रखेंगे वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा। और यदि लाइट अचानक से कट जाए तो इसका डाटा जहाँ जो हम काम कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं तो उतना ही पर ही रुक जाएगा, फिल्म देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वो इतना पर रुक जाएगा, वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उतना ही पर रुक जाएगा। ये लाइट जाएगा तो इतना ही प्रयोग, जब नेक्स्ट चालू होगा तो वहीं से चालू होगा, ये नहीं कि शुरू से चालू होगा। हमारा मेहनत किया हुआ घंटा बेकार नहीं जाएगा, ये हमारा हार्ड डिस्क का काम है। नेक्स्ट है हमारा CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। जो CPU है हमारा, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसे मेन प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मेन प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं। CPU को कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के ब्रेन CPU को कहते हैं।
सीपीयू मुख्य रूप से कंप्यूटर के ब्रेन, जिसका हमारा हमारा ब्रेन है मस्तिष्क, मस्तिष्क पूरा अंगों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार ये सीपीयू है पूरा सिस्टम पर नियंत्रण रखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितने भी उसमें डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट रिजल्ट मिलता है वो सब हमारे सीपीयू के तहत ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम क्या है या किसे कहते हैं? तो रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया होता है। रैम को इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका डाटा अचानक लाइट जाने पर इरेज हो जाता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी और टेम्प्रोरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी या टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। और इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल मतलब अंदर की मेमोरी, ये हमें ऑलरेडी उसमें मिलता है। इसका डाटा अचानक लाइट जाने पर इरेज हो जाता है, अर्थात हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, या एक पिक्चर को हम 2 घंटा बनाना है, यदि 1 घंटा तक बनाया है, यदि लाइट चला जाए तो ये सभी खत्म हो जाएगा। जब हम फिर शुरू से स्टार्ट होगा तो फिर शुरू से स्टार्ट होगा, वहीं पर नहीं होगा। ये रैम का काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं लाइट जाने पर सब खत्म हो जाता है, इससे घाटा है एक। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम को कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम फाइल को परमानेंटली स्टोर रखता है। इसका डाटा लाइट जाने पर इरेज नहीं होता है। जो रैम है इसका लाइट चला जाए तो इसका डाटा जो भी हम काम कर रहे हैं सब खत्म हो जाता है, फिर हमें शुरू करना पड़ता है। लेकिन रोम की विशेषता है कि परमानेंटली मेमोरी, अर्थात ये इसको कुछ कोई भी काम कर रहे हैं तो डाटा लाइट चले जाने पर उसका डाटा इरेज नहीं होता है। फिर हम जहाँ जहाँ तक किए हैं दोबारा शुरू करेंगे तो फिर वहीं से शुरू हो जाता है। ये हमारा रोम का कार्य है। और इसमें कुछ फुल फॉर्म है, इसको देख लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये आपका भाग तीसरा खत्म होता हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।